जब पाकिस्तान से आए थे ना इधर, तो 1950 में ये ढाबा खोला था हमारे पिताजी। लाहौर में भी ऐसे तड़का लगाते थे, अब यही भी ऐसे लगाते हैं। आज हम आ गए जी कश्यप राजपूत वैष्णो ढाबा। ढाबे की शुरुआत इन्होंने लाहौर में की। पार्टीशन के बाद 1950 में भारत में आकर ढाबा खोला और इनकी लाहौरी तंदूरी तड़के वाली दाल बहुत ही फेमस है। दूर दूर से लोग वो दाल खाने आते हैं। इनका कहना है कि पूरे भारतवर्ष में इस तरह का तड़का कोई नहीं लगाता। तो चलते हैं जी, टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं। जब पाकिस्तान से आए थे ना इधर, तो 1950 में ये ढाबा खोला था हमारे पिताजी। उसके बाद ये भाई साहब उनके साथ काम करते थे, फिर वो एक्सपायर हो गए। उनके बाद फिर मैं 1980 में लग गया इनके साथ। पाकिस्तान में भी देसी घी का पराठा और दाल बनाते थे, अब यहीं भी देसी घी का दाल और पराठा तैयार किया। और अम्बरसरी रोटी बनाते हैं, हरा सलाद होता है, और तड़के वाला जो सिस्टम है पूरे हिंदुस्तान में नहीं आपको मिलेगा। लाहौर में भी ऐसे तड़का लगाते थे, अब यही भी ऐसे लगाते हैं। सवेरे 12 बजे काम चालू हो जाता है, रात को 11:30 बजे तक चलता है। लाल मिर्ची डालनी है, बोलो। ये आ गई जी लाल मिर्ची आ गई। और इसमें टमाटर आ गया जी। ये टमाटर को मैश करके रखा हुआ है? हाँ, पहले रखा हुआ है। जो तंदूर में हम तड़का बनाते हैं तो पूरे हिंदुस्तान में नहीं बनाया जाता। क्या बात है जी, पूरे इंडिया में नहीं मिलेगा ऐसा तंदूरी दाल, तंदूरी तड़के वाली दाल? आपने मुर्गा ये वो तो बहुत देखे हैं, तंदूरी दाल नहीं देखी। ये जी इनका स्पेशल गलगल का अचार, ये आप ही बनाते हैं जी? हाँ जी। और बीच में हरी मिर्चा गलगल है, और मिट्टी के बर्तन में इसको रखा जाता है जी। इनका कहना है कि मिट्टी के बर्तन में रखने से इसमें किसी तरह का बैक्टीरिया नहीं पैदा होता और ये बिल्कुल शुद्ध रहता है, हेल्दी रहता है। तकरीबन 7 दशकों से भी ज़्यादा हो गया इस ढाबे को चलते हैं और यहीं पे चला रहे हैं। और एक बार जो इनके ढाबे की दाल खा लेता है ना, तो फिर वो कहीं नहीं जाता। भाई माँ की दाल जब खानी होती है तो इधर ही आता है। एक कोयले की धीमी आँच पे सारा दिन भट्टे के ऊपर बनती है जी दाल, देखिए। और इसके बाद इसको तंदूर में लगाते हैं तड़का। जब ये रात को ख़त्म हो जाती है ना, तभी उतारते हैं। ओके, ये इनका स्पेशल पराठा है। ऊपर इन्होंने देखिए अजवाइन भी डाली इसमें, देसी घी की ऊपर पूरी बारिश की है। और भाई साहब मज़ा ही आ गया लुक देख के इसकी। और इनकी स्पेशल दाल है जो, ये देखिए। और साथ में सलाद दिया इन्होंने, अचार है, हरी मिर्च सलाद। करते हैं जी इसको टेस्ट और बताते हैं आपको। और लुक की भाई साहब देख के मज़ा आ गया। वाह जी वाह, गर्मा गर्म पराठा और साथ में दाल ऊपर देखिए, देसी घी ऊपर कैसे, ये देखिए जी। इसका जो जायका, एक अलग ही जायका है दाल का। माँ की दाल बहुत जगह खाई है मैंने, पर भाई साहब जो इसका जायका आ रहा है ना, लाजवाब, नेक्स्ट लेवल चीज़ है। देखिए जी कितनी थिक दाल है। और इसमें देखिए जी आप, अदरक लहसुन टमाटर, क्या बढ़िया तड़का लगा हुआ है। और कितनी थिक है, और देसी घी देखिए जी ऊपर कैसे तैर रहा है। तो एक मज़े की बात बताता हूँ, एक परोठा मैं ऑफ कैमरा खा चुका हूँ, कितना टेस्टी लगा। अब दूसरा का खा रहा हूँ तो इसका टेस्ट ही भाई साहब इतना लाजवाब है कि रुका नहीं जा रहा। और एक अलग तरह का जायका, एक स्मोकी फ्लेवर जिसको कहते हैं ना, ये सारा दिन कहते हैं कि धीमी आंच पे जो बनती रहती है देव के ऊपर पीतल की, तो एक स्मोकी फ्लेवर आ रहा है तड़के का। मतलब मैं बता नहीं सकता भी, अलग तरह का जायका है, मज़ेदार जायका है। सुपर से ऊपर एक नंबर दाल, माँ की दाल और पराठा। भाई जिसने खाना है एक बार जल्दी पहुँच जाओ। ये है जी इनकी अमृतसरी रोटी, बड़ी स्पेशल है। तो अंकल ने कहा ये भी खा के जाओ, बड़ी क्रंची लग रही है। ये देखिए क्या बात है, ऊपर देसी घी डाला है पूरा। तो ये भी इनकी बड़ी स्पेशल आइटम है, अमृतसरी रोटी बोलते हैं जी इसको। देखिए देसी घी की पूरी अंदर मात्रा जो है देख सकते हैं आप, ये देखिए जी देसी घी की मात्रा। और गर्मा गर्म इनके माँ के साथ करते हैं ये भी टेस्ट। बड़ा मज़ा आया ये खा के भी, बहुत टेस्टी लगी, डिलीशियस। और दाल जो इनकी है
वो तो है ही लाजवाब। जलंधर के आसपास हो या जलंधर विज़िट कर रहे हो तो एक बार यहाँ आके ज़रूर विज़िट करना भाई, मज़ा आ जाएगा आपको खा के। इनका एड्रेस फ़ोन नंबर मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। इतनी लाजवाब दाल मैंने तो आज तक नहीं खाई भाई, मज़ा आ गया। इसको मैं करता हूँ जी फिनिश, और वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना जिन्हों जिन्होंने यहाँ से पहले ट्राई की हुई है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, और जिन्होंने नहीं की एक बार आके ट्राई करो भाई, मज़ा आ जाएगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह एक लाजवाब जायके की वीडियो लेके आएंगे जल्दी, इंडियन जायका।